अस्सलाम वालेकुम जी। आज कंपेयरिंग विजन तुहाड़े वास्ते ले आया जबरदस्त कंपैरिजन जिन्हों वेख के एक बारी तुसी जरूर आखोगे वाओ। जी हाँ, मेरे कुकिंग चैनल तो नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि भरे हुए करेले बनाने के लिए हैंड कटिंग, हैंड चॉपराइजर और फूड प्रोसेसर की कटिंग में क्या फर्क है। करेले एक पंजाबी डिश है जिनको बनाने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। साथ साथ करेले बनाने की डिटेल रेसिपी भी मैं आपको सिखाऊंगी और मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस रेसिपी को बनाने के बाद बड़े तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और वो माएँ जिनके बच्चे करेला नहीं खाते उनके बच्चे भी मांग मांग के करेला खाएंगे। तो यह देखो जी, रात को यह करेले मैं कट के इन्हों नमक ला के रख दिता सी, फिर मैं इन्हों वॉश कर लिया और आप तकरीबन आधा घंटा या दो घंटे इन्हें नमक लगा के रख सकते हैं और नमक लगा के आपने इन्हें वॉश कर लेना। ये बीज मैंने निकाल के रखे हुए थे, इनको भी मैंने नमक लगा के वॉश कर लिया था और ये बाद में मैं अपनी कुकिंग में यूज़ करूँगी। अमूमन करेले का मसाला बनाते हुए हमें घंटा लग जाता है और अगर करेले ज़्यादा बनाने हों तो फिर तो वक्त और भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह घंटे का काम आप चुटकियों में करेंगे। तो जी, ये प्याज मैंने ले लिए हैं, प्याज छोटे छोटे थे तो मैंने तकरीबन ये 17 प्याज लिए, किलो मेरे पास करेले थे और इनको मैंने इस तरीके से साफ़ करके काट लिया। अगर मैं इनके दो पीस ना भी करती तो भी मेरा काम चलता, लेकिन मैंने फिर भी ज़रा एफिशिएंसी मारी और मैंने इनके दो पीस कर लिए हैं। अगर आपके पास बड़े बड़े प्याज हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी कम ले लीजिएगा। ये देखें जी, इसके बाद हम फूड प्रोसेसर का मैंने आपको बताया कि मैंने इसका यूज़ करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये घंटे का काम चुटकियों में करेगा और वो औरतें जो कि परेशान होती हैं करेले बनाते हुए, अब उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, ये देखे प्याज इसमें मैंने डाल ली हैं और अब मैं अपने शक्तिमान को करने लगी हूँ स्टार्ट। तो ऐ जी होया साड़ा शक्तिमान स्टार्ट, तो एने साड़ा काम करना है हूँ आसान। जिंदगी च मर पता नहीं किहड़े वक्त जाना है, तो अपनी जिंदगी नूं आसान करो जिन्ना तुसी कर सकते हो। जिहड़े लोग वक्त दे नाल नाल अपने आप नूं अपग्रेड नहीं करते बहुत पिछे रह जाते हैं, इसलिए जिंदगी दे नाल नाल अगे वधना सीखो, नवीं चीज़ां ट्राई करो। मैनूं पता है चीज़ां महंगियां ने, तो जिन्ना तुसी अफोर्ड कर सकते हो उन्ना तुसी अपनी जिंदगी नूं इंप्रूव करो। ए देखो जी, हूँ असी प्याज़ों ए कढ़ के एक बाउल च शिफ्ट कर रहे हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से इसने चॉप किए। ये देखे कितना बारीक इसने कर दिया है और आपको बिल्कुल कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से ये जो मसाला मैंने लिया, दो टमाटर लिए हैं और 5-6 सब्ज मिर्चें, इनको भी मैंने चॉप कर लिया इसमें और मेरे शक्तिमान ने इनको भी बड़े अच्छे से चॉप कर दिया है। जो आपने करेलों को नमक लगाना है उससे आपकी करेलों की कड़वाहट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये देखें इस तरीके से मैंने फिर निकाल लिया है और ये जो करेलों की कड़वाहट है ये कुदरती तौर पर आपकी पथरियाँ किडनी में या वैसे अगर हैं तो उनको रिमूव करती है। ये मसाला आपके सामने है, अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है फूड प्रोसेसर को। ये चम्मच देखें जी, ये आपको जहाँ से भी मिलता है ज़रूर लें, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये अच्छे तरीके से बर्तन में से चीज़ को रिमूव करने में मदद करती है। तो ये मैंने एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, ये मैंने टमाटर और मिर्चें चॉप की थी और ये मेरे प्याज, तो मसाला मेरा सारा रेडी है और ये मैंने चुटकियों में बना लिया मसाला फूड प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए। अब मेरी कुकिंग हुई स्टार्ट, मैंने इसमें ऑयल डाला तकरीबन 1/2 कप और अंदर मैंने ज़ीरा डाला, ज़ीरा थोड़ा सा हो गया मेरा स्टिर फ्राई और फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिए। अब मैंने साथ ही टमाटर और मिर्चें नहीं डाली जी, हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और उसकी अपनी एक वर्थ है। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिए, इनको थोड़ा सा मैंने स्टिर फ्राई किया और फिर उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर मैंने मसाला डाला टमाटर और मिर्चों का, ताकि हर चीज़ अलग अलग अपना टेस्ट छोड़ सके हंडिया में। सारी चीज़ें इकट्ठे ना डाल दिया करें, वो चीज़ें फिर अपना टेस्ट नहीं दे पाती, जो सेपरेटली उन्होंने अपना टेस्ट डेवलप करना होता है वो नहीं हो पाता। अब मैंने मसाला डाला, मसाले में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैंने अनारदाना डाला, खुश्क अनारदाना। आप अनारदाना की जगह पे केरी या फिर आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सास केरी या आमचूर पाउडर पसंद नहीं करती तो मैंने अनारदाना डाल लिया, इससे थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आता है। अब ये बीज मैंने चॉपराइजर में चॉप किए हैं और ये बिल्कुल बारीक से इसने चॉप कर दिए हैं और इसके बाद मैं सेपरेट से ऑयल डालूंगी और उसमें बीजों को मैं फ्राई करूंगी। कुछ लोग अंदर ही डाल लेते हैं लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं सेपरेट
भी इनको फ्राई करती हूँ। ये देखें जी, अच्छे तरीके से पूरा जोर आपने लगा के तो इनमें से पानी निकाल देना है और इनको फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल देना। ऑयल जब गर्म हो तो तभी आपने इसमें बीज डालने हैं, ठंडे ऑयल में नहीं आपने डाल देने। फिर जब ये हल्के से ब्राउन होने लगे और आपको खुशबू से भी पता चल जाएगा कि ये हो गए हैं, फिर आपने इनको अपने मसाले में ऐड कर देना और अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर देनी है। जो जो मसाले की भुनाई होती जाएगी तो मसाले की जो क्वांटिटी है ना वो कम होती जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा जी ये पक रहा है। इस तरीके ने इस्तेमाल करते हुआ 20-30 बंदियों वास्ते भी करेले बनाने पै गए हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं। तो यह धनिया का इस्तेमाल तुम लाजमी करना है, यह बड़ा जबरदस्त टेस्ट है तो बड़ी जबरदस्त ऐसी क्वालिटीज़ ने, ठीक है। तो यह जबरदस्त कर देगा तुहाडे मसाले का जायका। तो जी करेला पा के भी तुम भुनाई कर लेनी अच्छे तरीके दे नाल, और साथ साथ आपको पता चलता जाएगा जी मसाले की क्वांटिटी कम हो गई है। अब मैंने इतने प्याज डाले थे और मेरा मसाला देखें कितना सा रह गया। तो दिल छोटा नहीं करना, यह थोड़ा मसाला बन गया इसलिए कम हो गया। और ये इसकी फाइनल शक्ल आपके सामने है। अब मैं इसकी फिलिंग करूंगी करेले में। मैंने एक चम्मच ले लिया और चम्मच की मदद से मैंने करेलों को फिल करना स्टार्ट कर दिया। करेलों के बहुत से फ़ायदे हैं। इसकी कड़वाहट आपकी पथरियों को रिमूव करने का काम करती है। उसके बाद ये शुगर, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज़, मोटापा, लीवर के मसले सब के लिए डॉक्टर का काम करता है। ये बॉडी में फैट्स को स्टोर नहीं होने देता और ब्लड से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हाँ, ये प्रेग्नेंट खवातीन के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है। तो मेरिया वो भैन जिन्होंने घर करेले बनाने पैंदे ने, ते इस करेले बनाने की वजह तो सिर नूं कौ केरियां चढ़ जांदियां। तो वेखो किदां फूड प्रोसैसर ने तुहाडा काम आसान किया है। तो गल्लां गल्लां च मेरे सारे करेले फिल हो गए और ये मेरा मसाला बच गया जिसको मैंने स्टोर कर दिया। मैंने फिर धागा लिया और करेलों को बांधना स्टार्ट किया। मैं कहा चलो हाँ तुसीं तो जरा आओ, तुहाडा तो जरा मैं इलाज करा। और देखें जी इस तरीके से मैंने इनको टाई करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके करेलों में मसाला बिल्कुल पूरा पूरा होना चाहिए, ओवरफ्लो ना हो रहे हो, और जो मसाला एक्स्ट्रा हो उसको आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। ज़ाया किसी चीज़ को नहीं करना, उसको भी एक बाउल में डाल के स्टोर कर दें। और जी ज़िंदगी एक नेमत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला का कानून है कि हर इंसान को हर चीज़ में यसर नहीं, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में कोशिश किया करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ले नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और हम वो मौके पैदा कर सकते हैं जो कि हमें उन चीज़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने लिए कोशिश करते रहा करें, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। किसे तो सड़ो ना, हसद ना करो, रोना पिटना ना पाओ, कोशिश करो तो कामयाबी तुहानू ज़रूर मिलेगी, ठीक है जी। इस तरह वेखो करेला भी मेरा गल्लां ही गल्लां दे विच बंद गया। मैं इहदे ते धागा लपेट लिया, तो देखो कितना अच्छा टाइटली मैं इस करेले नूं धागे दे विच लपेट लिया। और अगर आप इस तरीके से लपेटेंगे करेलों को तो आपके करेले बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं जब आप इनको फ्राई करेंगे। और देखें सारे करेले मैंने बांध लिए बातों ही बातों में, और अब हम फ्राई के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि फ्राई करने के बाद आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके बच्चे करेले से भागेंगे नहीं बल्कि दौड़ दौड़ के करेले की तरफ आएंगे। और देखें मैंने पैन में ऑयल डाला और ऑयल को आपने थोड़ा गर्म होने देना है, और फिर आपने बड़े ही प्यार से इसमें करेलों को सुट देना है, लेकिन अपने हाथ को बचाना है कि उस पर तेल छेल ना गिरे। लोग अक्सर करेले बनाते हुए सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे उसका जायका पसंद नहीं है इसलिए मैंने नॉर्मल कनोला ऑयल लिया है। करेले तो 1 किलो ले सन, लेकिन असं 3 बंदे हाँ, सानू इन्ने करेले बहुत ने। इस तरीके दे नाल मैं करेले अंदर ला दिते, रख दिते, उपर मैं ढक्कन दे दिता। तुसी हल्की आँच, बहुत हल्की आँच रखनी है ताकि इहदा जिहड़ा छिलके है वह अच्छे तरीके दे नाल गल के पक सके। और फिर 5 से 6 मिनट होने के बाद मैंने ढक्कन को रिमूव किया और मैं करेलों की साइड चेंज कर दूंगी, ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली ऊपर। सारे करेलियां उल्टा लेना है
और आँच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आँच आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर आपकी आँच बिल्कुल लो होगी और आप दम पे करेले बनाएंगे तो यकीन करें करेले बड़े ही नरम और बड़े ही मज़ेदार पकेंगे, वरना अगर आप आँच तेज़ कर देंगे ऑयल गर्म हो जाएगा और वो मज़ीद गर्म होने की वजह से आपके करेलों को अकड़ा देगा, सुखा देगा। तो जो बुज़ुर्ग आपके घर में है जिनके दांत नहीं हैं तो वो उन करेलों को नहीं खा पाएंगे, और इसके अलावा आपके बच्चे और बाकी लोगों को भी करेले खाने में दिक्कत होगी और उन्हें मज़ा नहीं आएगा, और इसीलिए फिर आपके घर वाले करेलों से भागेंगे। और ऐसा करने से उसके करेले के जो न्यूट्रिशन हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं। साड़ना दिया करो, पकाया करो, ते ध्यान सारा पकान चलाया करो। गीतां चुगलियां वास्ते और बड़ा टाइम है, खान पकान दे वक्त सिर्फ तुसी खान पकान करना है। हुण मैं करेलियां नूं टाटा ते बाय बाय कह दिता, क्योंकि मैनूं लगी सी बड़ी भुख, मैं अपने वास्ते बनाई फ्रूट चाट ते मैं रज के खाधी। ए देखो जी फाइनल लुक, मेरे करेले तैयार हो गए ने, ते बड़े ही मज़ेदार लजीज करेले है बने सन। तारीफा नहीं करती पी अपनिया मैं, बल्कि जिन्होंने खाधे उन्होंने मैं रिव्यू दिता। अब ये देखें, एक करेला मैंने ओपन ही फ्राई किया था और मैंने इसमें चीज़ फिल की, ताकि मेरे हस्बैंड करेला खाते हुए बड़ा भागते हैं, तो ताकि वो बासानी बड़े टेस्ट के साथ करेला खा सकें। आप चीज़ के साथ साथ मायो और केचप वगैरह भी फिल कर सकते हैं, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से करेले को खाएं। उम्मीद है कि वीडियो तुहानू पसंद आई होएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करो। तुहाडे पैसे नहीं लगने लेकिन मेरा भला हो जाना है, दिल खोल के लाइक तो शेयर करो मेरी पोस्ट नूं, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके, तो ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इनू वेख सकन, तो मेरा चैनल प्रमोट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नई कंपेरिजन के साथ। अल्लाह हाफिज़।